आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ, एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। जननी जन्मभूमि June 22, 1900 स्वतंत्रता सेनानी गणेश घोष की जयंती है। उनका परिवार चटगांव से था, जो अब बांग्लादेश में है। गणेश घोष चटगांव जुगांतर पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन और अन्य क्रांतिकारियों के साथ चटगांव शस्त्रागार छापे में भाग लिया। पुलिस ने गणेश घोष को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमे के बाद 1932 में उन्हें पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल भेज दिया गया। वे 14 साल तक इस जेल में रहे। 1946 में जेल से छूटने के बाद वे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बन गए। वो 1952, 1957 और 1962 में बेलगछिया से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चुने गए थे। 1967 में वे चौथी लोकसभा के सदस्य बने। गणेश घोष अंतिम समय तक देश सेवा के लिए समर्पित रहे। हम इस बहादुर राष्ट्रवादी को नमन करते हैं। June 22, 1897 को चापेकर बंधुओं ने ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर W.C. रेंड को गोली मारी थी। तीन भाई दामोदर हरी, बालकृष्ण हरी, वासुदेव हरी पुणे शहर के एक छोटे से गांव चिंचवाड़ से थे। भारत में जब 1896-97 में प्लेग फैला तो सरकार ने महामारी के प्रबंधन के लिए एक विशेष प्लेग समिति का गठन किया था, जिसके आयुक्त वॉल्टर चार्ल्स रेंड थे। सेनापति रँड बेदरकार, लोकांवर जुलूम अत्याचार, दुष्ट नीतीच होत सरकार जी, 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 दुष्ट नीतीच होत सरकार जी। आयुक्त रँड ने निवारक उपायों के नाम पर बर-बर कदम उठाए। आपात स्थिति से निपटने के लिए सेना बुलाई गई। नियोजित उपायों में निजी घरों में प्रवेश, सार्वजनिक रूप से ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा महिलाओं सहित सभी की जांच, अस्पतालों से रोगियों को निकालना और अलग शिविरों में रखना शामिल थे। उन्होंने धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान नहीं किया और मंदिरों तथा मस्जिदों में जबरन प्रवेश कर गए। इन उपायों को पुणे की जनता ने दमनकारी माना और शिकायत की, लेकिन कमिश्नर रँड ने इसकी भी अनदेखी की। पुणे के लोगों के प्रति किए जा रहे अन्याय से निपटने के लिए चापेकर बंधुओं ने बदला लेने का निर्णय लिया। दामोदर पहला क्रांतिकारी, लड़ाई कर तो तैयारी, मर्दाची मर्दनगी कारी, हजी जी जी, जी। मर्दनगी कारी। 22 जून 1897 को महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक की हीरक जयंती के अवसर पर चापेकर बंधुओं ने रेंड और उनके सैन्य अनुरक्षक लेफ्टिनेंट आयर्स्ट को गोली मार दी। आयर्स्ट की मौके पर ही मौत हो गई और 3 जुलाई को रेंड की भी मृत्यु हो गई। चापेकर बंधुओं और उनके दो साथियों पर हत्या का आरोप लगाया गया। तीनों भाइयों को दोषी पाया गया और फांसी दे दी गई। आकाशवाणी समाचार देश के इन वीर सपूतों को नमन करता है। जो देश पे मर मिट गए वो तो देश दीवाने थे, और जिन्होंने झंडा फहराया था कि वो असली मर्दा। आज हम स्वतंत्रता सेनानियों मामराज और रामस्वरूप को भी याद करते हैं, जो हरियाणा के भिवानी जिले से थे। वे ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए, लेकिन कुछ ही समय बाद इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 1931 से 1935 तक किसान गतिविधियों में भाग लिया। वे ब्रिटिश पुलिस पर हमले और नवाब के एक मुखबिर की हत्या में भी शामिल थे। मामराज और रामस्वरूप कुछ समय तक भूमिगत रहे, अंबाला छावनी पहुंचे और अपने गांव के कुछ सैनिकों के साथ वहां रहे। अंततः उन्हें जून 1937 में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर हत्या और डकैती का आरोप लगाया गया। मामराज और रामस्वरूप को 22 जून 1938 को फांसी दे दी गई।
देश के इन वीर सपूतों को हमारा नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।